हरिओम। भगवान जी की वाणी है, सदगुरु हमारी वकालत करता है। जब हम ऊपर भी जाते हैं और हम इस लोक में हैं, तो भी वो हमें समझा रहा है कि कैसे चलना है। अगर हमें इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञानी मिला है, तो मुझे खुद कितना ऊंचा बनना पड़ेगा। हायर द क्लास, हायर द एग्जाम। और हम चाहते हमारी परीक्षा नहीं हो, क्लियर भी नहीं करते हैं, सत्संग में जाते हैं, बोलते नहीं है, चुपचाप प्रसाद खा के आ जाते हैं, तो क्या करने जाते हैं? मैं तो ऐसे नहीं जाती थी। नम्रता, ह्यूमिलिटी इज वेरी एसेंशियल। उसमें एक दृष्टांत है, आप सबने सुना होगा। एक चोर कहीं जा रहा था, चोर को पकड़ना था, तो राजा का पहले मंत्री आया, बोलते हैं ए अंधे, नहीं एक रास्ते में एक वो थे जिनकी आंखें नहीं थी, देखो बादशाह मधुरता क्या होती है, बोलता है ए अंधे, तुमने कहीं किसी चोर को जाते देखा है? उसने बोला नहीं। फिर आए वजीर, वजीर ने बोला सूरदास जी, आपने कभी किसी को इधर चोर को जाते देखा है? उसने बोला नहीं। तब राजा आए कितनी मिठास से, हे प्रज्ञा चक्षु, आपने किसी चोर को जाते देखा है? तो उसने सुनिए, उसने क्या बोला, हे राजन, मैंने नहीं देखा है। जब तीनों मिले, उन्होंने बोला इसने कैसे पहचाना कि मैं राजन हूँ, चलो इससे पूछते हैं जाके। उन्होंने बोला देखो, तुम्हारे मंत्री ने बोला हे अंधे, वजीर ने बोला हे सूरदेश, और राजा ने इतनी मधुरता से मुझे बोला हे प्रज्ञा चक्षु। तो मधुरता जुबान से पता चलता है कि राजा है या क्या है। तो हम घर में कैसे व्यवहार करते हैं? क्यों हम बच्चों को भी तू कर, मैंने, हमने तो कभी नहीं बोला। हम बोलेंगे हाँ बाबा आप ऐसे करिए, आप ऐसे, एक सेवाधारी को भी आप करके बुलाना है। तुम तो शब्द ही नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए वो हमारा अपना है जायदा, हम उसको तू कैसे कर, भगवान तूने ऐसा क्यों करा। हम बाकियों के लिए आप शब्द क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? कितना क्यों बोलते हैं जिसकी जीब रफ उसका जीवन टफ? क्या बिगाड़ देते हैं? जैसे द्रौपदी ने बोला अंधे का पुत्र अंधा, एक शब्द से महाभारत हो गई, और हम रोज सुन रहे हैं फिर भी हमारे घर में महाभारत हो रही है, तो इसका मतलब मैंने सुना ही नहीं, मैंने अपने को सुधारा ही नहीं। पॉजिटिव ही बोल सकते हो, बेटा आप ऐसा तो नहीं करते थे, आज ऐसे कैसे कर रहे हो? हस्बैंड को बोल सकते हो, बच्चों को बोल सकते हो। अभी भी हमारे पास कितने फोन आते हैं, हम देखते हैं, ना माँ बनना आता है, ना बीवी बनना आता है, कुछ चलाना ही नहीं आता है। मुझे मिडनाइट को भी वो भेजने पड़ते हैं मैसेजेस कि ऐसे करो ऐसे करो। क्या है ये? क्यों हम एनफ लक्की नहीं होते हैं कि बचपन में ही हमें सत्पुरुषों का संग मिले, हम अपने को सुधार सकें? और दिमाग कितना खराब होता है, दे लुक सो वेल एवरीथिंग, और सबके डाइवोर्स हो रहे हैं, टूट रही हैं शादियां, क्यों? क्यों सहनशीलता नहीं है? क्यों अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं? कभी किसी का घर टूटेगा अगर हम अपनी गलतियां मानने की जगह, तो भगवान जी के ज्ञान से हमने सीखा। और जो लोग हमारे पास आए, अपने घर के केसेस को हमने ठीक किया, ये तो गुरु कृपा है ना। अपने घर के लोगों को कोई ठीक कर सकता है? वो काम मैंने किया है, माई एल्डर सिस्टर, उनके डाइवोर्स भी बचाए हैं। आई डोंट नो, ये भगवान जी की कृपा है। दे बोथ आर डॉक्टर, बट वी डोंट हैव दिस एजुकेशन। आई वॉज नॉट अ डॉक्टर। दे चैलेंज्ड मी, देखते हैं तुम्हारे गुरु का ज्ञान कैसा है। आज वो दोनों हैप्पीली जी रहे हैं। एक को झुकना पड़ता है। शी वॉज स्टडिंग अब्रॉड रशिया में, मैं इंडिया में थी, फिर भी मैंने बोला एक तुम्हारे पास दो चार सर्वेंट भी है, ए इंडियन हस्बैंड ऑलवेज वांट कप ऑफ कॉफी या टी फ्रॉम हिज वाइफ, चाहे वो भी ऑफिस से आया है वो भी आया है, बट शी हैज टू डू दैट, इज ए लव, दैट इज ए प्यार। वो बोलेगी मैं भी अभी आई हूँ, बोलेगा मैं भी अभी आया हूँ, तो लड़ाई शुरू हो गई। किस लिए कमा रहे हैं दोनों जने? कितना भी एडवांस हो जाएगा, इंडियन विमेन को थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा नरम, थोड़ा झुकना आना चाहिए टू सेव योर ओन हाउस।
अपने बच्चों की खातिर अपना घर संभालो। मैंने तो भगवान जी के ज्ञान से भी सीखा है कितना कुछ, और कितने लोगों के घर भी ठीक हो गए ऐसे। किस चीज का ईगो करते हैं इसलिए हमारी फैमिली तबाह हो जाए। अभी जो फोन आते हैं मैंने देखा, उन्होंने पहले डाइवोर्स करती रही, वो बाहर है वो लोग, और अभी जब घर बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे ऐसा बिहेव कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट कितना पड़ा तुम्हारे लड़ने का। धरती जितना पेशेंस हमारे पास होना चाहिए अपना घर बचाने के लिए। अपने ही लोगों को प्यार नहीं करोगे तो हमें कौन करेगा। ये छोटी छोटी बातें सत्संग से मैंने सीख के कितने लोगों ने अपना फायदा उठाया है। ये अपने सुनने के लिए नहीं है, पहले अपने को लगाओ औरों को भी बताओ। ये तो मेरे पास लाइव एग्जाम्पल्स तो काफी हैं, टाइम हो जाएगा। ये ज्ञान ही ऐसा है, मर जाओ मिट जाओ झुक जाओ। अकड़ना मुर्दे की निशानी है। इंसान को तो झुका, कोई भी चीज गिरेगी हम झुक के उठाएंगे ना। झुकने वाले को एक बहू भी झुकने वाली कितनी प्यारी लगेगी, और अकड़े हुए इंसान मुर्दे के बराबर है। अर्जुन को एंड तक बनाए रखना होता है, ना कि फॉर्मेलिटी सेक। हमारा अर्जुन देख के लोगों को पता चलता है कि हम कौन है। आई होप इतने प्यारे वचन है आप सबको आते भी होंगे, सुना भी होगा, मे भी दोबारा रिपीट हो गए हैं। हरिओम, गॉड ब्लेस।